pam 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 नमस्कार। निखिल एंटरटेनमेंट की ओर से सभी उपस्थित बीड़वासियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए आज के बस तालियों की गूंज तो बहुत ज़ोरदार होनी चाहिए। ये कभी किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि हम कितनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। हम जितने हैं उससे कई गुना बढ़कर हम हौसला अफजाई करेंगे हमारे कलाकारों का। दोस्तों, फिल्मों की अजीब और गरीब दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द हमेशा जवान बनी रहती है, उसका एक बहुत अहम और बहुत ज़रूरी पहलू है उसका संगीत। गुजरे दौर के सुनहरे संगीत के जादूगर द्वई और मशहूर और मारूफ जो संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्होंने करीब करीब हर तर्ज को, हर सोच को अपनी दिलकश मौसिकी का सामान बना दिया। बचपन से जिगरी दोस्त, सुख दुख, गरीबी और ऊँचे सपनों के साथी, पैदाइशी यानी दिल से म्यूजिशियंस, ऐसी अटूट संगीतकार जोड़ी यानी कि द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उन्हीं की कहानी, उन्हीं की गीतों की जुबानी। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से लेकर रंगीन फिल्मों तक, रोमांटिक फिल्मों से लेकर एक्शन फिल्मों तक एक बड़ा चार दशकों का लंबा दौर रहा। इसीलिए हम उन्हें LP यानी कि लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड कहते हैं। और इस लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और कई नए रिकॉर्ड यानी कि नए कीर्तिमान बनाए। चलिए आज उन्हीं के गीत सुनते हैं। उन्हीं के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए इससे अनूठा और इससे अच्छा मौका नहीं। अब हमारी आज की महफिल के सितारे, उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। आलोक काटदरे, संपदा गोस्वामी, सर्वेश मिश्रा और गुल सक्सेना। तालियों की एक जोरदार गूंज हमारे कलाकारों के लिए हो। प्रोग्राम के अरेंजर और हमारे प्रोग्राम के कृष्ण कन्हैया, हम उन्हें बड़े लाड़ प्यार से कहते हैं, मोहित शास्त्री। हमारे मंच पर उपस्थित सभी काबिल सासिंदों के लिए तालियों की एक बहुत जोरदार गूंज। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हर लिहाज से एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसे हम कव्वाली भजन कह सकते हैं। फिल्म है अमर अकबर एंथनी। रफ़ी साहब की आवाज़ में श्रद्धा के मोती छलकाने वाले, तालियों तालियां आ रही हैं, आने दीजिए यार। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सर्वेश मिश्रा जी को। और गीत तो आपने पहचान लिया, क्या ज़रूरत है कहने की, बस आप सुनते जाइए। आ आ आ आ
तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाले, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे तू शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली, दर पे सवाली आया है दर पे सवाली, सवाली शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। ओ मेरे साई देवा तेरे सब नाम लेवा, ओ मेरे साई देवा तेरे सब नाम लेवा, जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे, सुने पर याद सबकी तुझे है याद सबकी, बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा, तेरी रहमत का किस्सा बयां अकबर करे क्या, दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तू सबका माली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, खुदा की शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में, तुझे सब मानते हैं तेरा दर जानते हैं, चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े, ये हर राह की मंजिल ये हर कश्ती का साहिल, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला, उसे सबने निकाला उसे तूने संभाला, तू बिछड़ों को
थैंक यू, थैंक यू। खूबसूरत श्रद्धा और सबूरी से अगर हम साई का यानी कि ईश्वर का नाम लेंगे तो नजर भी ठीक हो जाती है और अकल भी। खैर आगे बढ़ते हैं। अगले गीत में प्यार का एक अलग ही रंग आप देखने जा रहे हैं यानी कि सुनने जा रहे हैं। अब ये प्यार ऐसा है कि जो खुद दूसरे से प्यार भी मांगता है और जान भी। तमाचे मार, शराब फेंक, खंजर चला, रस्सी तोड़ नृत्य। अदाकारा हैं लक्ष्मी छाया। गाने में एक गज्जर सिंह भी मौजूद है अगर आपने गाना सही पहचाना हो तो। ये किरदार हमारे आइकॉनिक गब्बर सिंह के किरदार के 4 साल पहले विनोद खन्ना साहब ने निभाया था। दोस्तों अच्छा गीत वही है जो हमें कहानी से और हमारी फिल्म से पर्दे से जोड़ कर रखता है, कहानी को आगे बढ़ाता है। आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जोड़ी इसी में माहिर थे। लता मंगेशकर जी का गाया ये गीत, जैसा कि मैंने कहा कि शिरडी वाले साई बाबा के जैसा ये गीत भी आनंद बख्शी साहब का लिखा है। और आनंद बख्शी साहब जब ये गीत लिख रहे थे तो सिकंदर और पोरस इनकी कहानी उनके जहन में थी और नतीजा निकला कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए जैसा गीत जन्म लेता है। देखिए 1971 की फिल्म मेरा गांव मेरा देश। आइए सुनते हैं गुल सक्सेना जी से। गुल सक्सेना पहली बार आपके मंच पर पधार रही हैं, तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करें। एक उभरती हुई पार्श्व गायिका उनमें छिपी है। Thank you.
सुंदर गुल, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1967 की फिल्म शागिर्द, मशरूफ सुल्तानपुरी साहब के बोल अर्थात लता मंगेशकर जी की आवाज़ फिर से एक बार। दोस्तों, आँखों और कानों को कमाल का सुकून देने वाला ये अगला गीत है। ये नहीं कि उसमें लता मंगेशकर जी के स्वर है, लेकिन उसके साथ एक और भी बात है कि बहुत प्रचुर मात्रा में पंछियों के चहक की आवाज़ से इसका इंट्रो म्यूजिक शुरू होता है। और अगर आपने गौर किया होगा तो पर्दे पर आपको दिखाई देंगे वो दौड़ते हिरन और सांभर और आसमान में उड़ते पंछी, है ना? और फिर आती है लता जी की वो स्वर्गीय तान, जिसके लिए उन्हें दो हाथ से वंदन करने को ही जी करता है। खैर, अगर सांस को गौर करें तो मैंडोलिन, वॉयलिन, सितार और तबले की उठान इस गीत की विशेष परिचायक है। इस गीत को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए तालियों की गूंज के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ संपदा गोस्वामी जी को। संपदा के बारे में कुछ कहने की बात नहीं है, वो आप ही की हैं और उसकी सांगीतिक शिक्षा यहाँ बेट से ही शुरू हो गई थी। संगीत का कोई भी प्रकार उसके लिए अछूता नहीं, एक बहुत ही गुणी गायिका। संपदा, मुझे याद है तुम्हारी उम्र शायद 14 या 13 थी। हाँ, और हमने 13-14 दिल ने फिर याद किया, यहाँ किया था। बिल्कुल पूरा सभागृह भरा हुआ था और तब एक छोटी सी बच्ची गा रही थी, मैं भूली नहीं हूँ शाम। मी आज ही ती लहान आहे, मला थोडंसं बोलायला आवडेल आज। सर्व बीडवासियांना नमस्कार सगळ्यात पहिले, थँक्यू। जा
अब आप गुस्सा करेंगे क्योंकि मैं वंस मोर नहीं लेने जा रही, लेकिन एक से बढ़कर एक गीत आपको सुनाने का वादा मैं कर चुकी हूँ, वो मैं पूरा करूँगी। और अगला जो गीत है वो मेरी उम्र के नौजवानों के लिए नहीं, नहीं, आप सबके उम्र के नौजवानों के लिए है। गीत पहचाना होगा 1980 की फिल्म, अब बस अंदाज़ा लगाते जाइए। लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्यारे भाई, दुनिया भर के सब सर्वश्रेष्ठ अरेंजर्स में से एक माने जाते हैं और इस गीत को जाना जाता है उनकी अरेंजमेंट के लिए जो बेहतरीन है, उसके लिए और कोई शब्द ही नहीं है। ब्रास सेक्शन जैसे कहते हैं उसका कमाल, और गिटार और सैक्सोफोन का बिल्कुल जादू चलता है इस पूरे गीत की तर्ज में। अब और बताओ तो किशोरदा की वो जादुई आवाज़, इन सब चीज़ों का सम्मिलित आविष्कार यानी कि ये गीत ओम शांति ओम। और आप सब जानते हैं कि ऋषि कपूर जी को डिस्को डांसर या डिस्को स्टार बनाने के लिए इस गीत की उस फिल्म में योजना है कर्ज, और उसमें आपको मालूम है कि वो एक रिवॉल्विंग स्टेज है ग्रामोफोन के रिकॉर्ड के जैसा, और उसमें वो नीडल है और वहीं से उतरकर ऋषि कपूर जी आते हैं, और इतनी एक स्विफ्ट, एक तेज़ गति है उनकी आवाज़ में, उनकी हलचल में, उनकी एक्शंस में, और उससे वो गीत शुरू होता है। आइए इस गीत को आपके सम्मुख पेश करने के लिए, हाँ वो तो कहीं जादुई तरीके से आएंगे क्योंकि हमारे वो टाइगर काटदरे हैं, हम उनको आलोक काटदरे नहीं कहते, हम कहते हैं हमारे वो टाइगर हैं। Auditorium lights.
शांतियो ओम शांतियो शांति शांतियो मैं चाहूंगा तारा जोर से तारे हो जाए सामने कर ली रात खराब देखो आया नहीं अभी तक उधर से आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो वो ना कहेंगे तो खुद किसी भी कर जाऊंगा मैं यारो वो ना कहेंगे तो खुद किसी भी कर जाऊंगा मैं यारो वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो बगाओ ओ शांतियो शांति शांतियो ओम शांतियो शांति शांतियो पहला सलाम लेकर जो छुप गया है पहली नजर का पहला सलाम लेकर हर एक सांस लेता हूँ अब मैं उसका ही नाम लेकर उसका ही नाम लेकर मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना ये खत तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना सही ओ शांतियों शांति शांतियों करके जन खोया नींद खोई अरे झूठ तो कहते नहीं है कहते नहीं है रो कोई अरे प्यार से पढ़कर नहीं है पढ़कर नहीं है रो कोई चलता नहीं है दिल देख यार उसकी पे बोल कोई इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई सही हो शांतियो शांति शांतियो शांतियो, ओ शांतियो,
शांति ओ शांति ओ शांति ओ थैंक यू वेरी मच मंगला जी, बहुत खुश हूँ मैं आज के मेघरा जी कहाँ हैं। मेघरा जी थैंक यू सो मच कि आपने इतनी खूबसूरत ऑडियंस के सामने हमें हमारा फन पेश करने का मौका दिया। मैं चाहता हूँ जरा मेघरा जी के लिए जरा जोरदार तालियां, मेघरा जी और उसके फैमिली के लिए। ऐसा ही कारोबार बढ़ता रहेगा, ऐसी तालियां हमें मिलती रहेगी। तो मंगला जी आज का शो में एक यादगार शो, लोगों को भी पता चला कि मैंने टाइगर क्यों बोला। थैंक यू, आई लव यू टू सर। थैंक यू सो मच। लेकिन इस रंग के साथ बहमत जाइएगा, अगला गीत वैसे ही आपको बिल्कुल दिल को छू लेने वाला, मन में अपनापन पैदा करने वाला गीत है। तो इस रंग को भूलकर हम आगे बढ़ते हैं 1977। हाँ, ये एक बात बोलने की मैं बोलना भूल गई कि बिना का गीत माला के दूसरे पायदान पर ये 1980 की फिल्म कर्ज का गीत बजता रहा, और जिसके लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी को सर्वोत्तम फिल्मफेयर संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार भी हासिल हुआ। और अब जो गीत आप सुनेंगे वो भी बहुत बढ़िया गीत है, सुधीर दलवी और निवेदिता सराफ जी पर ये चित्रित है। बस में गाते गाते पैसे बटोरने वाले लोग जीवन के बारे में कितना संजीदा बोल सकते हैं, इसकी एक मिसाल है ये गीत। अब गीत तो आपने पहचाना ही होगा, रफ़ी साहब और लता जी का गाया ये गीत। मुझे बस वो चीज़ याद आती है कि भली रात है, दो राहगीर चल रहे हैं, एक दूसरे से पूछता है कि रहनुमा रात कितनी बाकी है, तो दूसरा राहगीर जवाब देता है, दोस्त रात से रास्ता जवाब दराज है। तो रास्ता रात से दराज होता है, और रास्ता माने हमारा जीवन, हमारी जितनी चाबी है उतने हम चलते जाते हैं, बाकी जीवन तो मुसाफिर खाना है। ये कहने वाला एक बहुत अहम गीत जिसके लिए आपके सामने पेश होने जा रहे हैं सर्वेश मिश्रा, वॉइस ऑफ रफ़ी। इतना उनके बारे में कहना पर्याप्त नहीं है, लेकिन बहुत दिल से और सुकून से गाने वाले सर्वेश मिश्रा और गुल सक्सेना। तालियों की एक जोरदार गूंज उनके लिए होनी चाहिए। हर रंग को आपके सामने बखूबी पेश करने वाले ये कलाकार जी तोड़ मेहनत करके आपके सामने आते हैं। और हमारा जो पहला गीत था उसके लिए हमारे नागेश कोहली यहाँ थे, जिन्होंने क्लैरिनेट बजाई थी, आपने उन्हें बहुत सपोर्ट किया था। और हमारे ब्रजेश शाह जो गिटार बजा रहे, इसका मतलब ये नहीं बाकी सबके लिए ये तालियां है, लेकिन ये प्रातिनिधिक स्वरूप से इन दोनों के नाम मैंने लिए थे। अब अगला गीत आदमी आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में आगे छोड़ जाता है। झोंका हवा का
पानी करेला, झूका हवा पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर वो अकेला की ओर चलिए। हाथी मेरे साथी सुपरस्टार राजेश खन्ना और तनुजा जी हैमॉक्स में झूल रहे हैं और गीत की विशेषता ये है कि हैमॉक्स जितने झूलेंगे या हैमॉक जितना झूलेगा उतने ही लय का आंदोलन आपको मिलेगा और यही आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी की विशेषता है। बहुत ही खासम खास गीत है किशोरदा और लता जी का गाया और आप ये भी एक सुनेंगे कि उसके आरंभ में जो वॉयलिन बजी है वो एक रोमांटिक सा माहौल तैयार करती है, उसमें संतूर आकर मिल जाती है और उसके सुंदर इस्तेमाल के बाद हम इतने प्रमोदित हो जाते हैं जब हम सुनते हैं आहा किशोरदा और लता जी की आवाज़ में। और इस गीत को हूबहू आपके सामने पेश करने के लिए फिर से एक बार आलोक और संपदा। हेलो दोस्तों, जानते हो ये गाना किसका है? हाथी मेरे साथी। एक्टर कौन पता है? एक्टर कौन पता है? राइट, राजेश खन्ना, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले सुपरस्टार। क्या कहते थे वो उनको, क्या कहते? काका। राइट, यानी वो उस वक्त कहा होती ऊपर आका और नीचे काका। काका क्या बोलते थे हमेशा? रो मत पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अरे नासों को पोछ दो, ये दुनिया न जीने देती है न मरने देती है, तुम जानती हो मैं आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। पोछ दो इन आंसों को, आई हेट टीयर्स। दर जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे राजेश खन्ना साहब के लिए। स्पॉट
घूम जा ऐ ठंडी हवा, आहा घूम जा दोनों अकेले हैं सुन भावरी शोर योगी मचाना न तू लय जो है वो जैसे इनके गाने में सुनाई दी वैसे हमारे साजिंदों के बजाने में भी, तो उनके लिए तालियों की एक जोरदार गूंज होनी चाहिए, उनके हौसला अफजाई। आइए आपकी बारे कव्वाली आपके पेशे खिदमत है और शुरुआत में ही ढोलक के वजनदार ठेके से शुरू हो जाती है और उसी रिदम में जब ऋषि कपूर जी का आगमन हो जाता है कव्वाली बिल्कुल रंग पकड़ती है, उनका आशिकाना मिजाज और वो ढोलक का मजबूत ठेका और उसके साथ बजती है क्लैरिनेट और एक समा बन जाता है। शायद आपने पहचाना होगा, फिर भी मैं कहना चाहती हूँ 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथनी और रफ़ी साहब की आवाज़। तो रफ़ी साहब के गाए शेर, ये कहना यह लाजमी रहेगा कि रफ़ी साहब भले एक बहुत ही महान गायक है लेकिन उनकी करियर का वो एक लीनियर पड़ाव, एक उतरता पड़ाव शुरू था और ऐसे में इस कव्वाली ने जादू कर दिया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को भी अपने जीवन का एक और फिल्मफेयर सम्मान मिल गया बतौर सर्वोत्तम संगीतकार। आइए पर्दा है पर्दा, तालियों की गूंज के साथ सर्वेश मिश्रा। Ah!
जवाब पे मैं जरा सी शराब फेंकूंगा किसी हसी की तरफ। ये गुलाब फेंकूंगा पर्दा है 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 पर्दा अब पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नशी है पर्दा नशी को भे किसी की जान
जाती है। किसी को शर्म शर्म आती है, किसी की जान जाती है, किसी को शर्म आती है, कोई आंसू बहाता है तो कोई मुस्कुराता है। सता कर इस तरह अक्सर मजा लेते हैं ये दिल भर, यही दस्तूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका, सितम मशहूर है इनका। खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख उसन वाले, जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है जल्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा न कर दूँ, मैं तेरे गुस्से को ठंडा न कर दूँ, पर्दा नशी को पर्दा न कर दूँ, तो सर्वेश तेरा नाम ही है, पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा न कर दूँ, सर्वेश मेरा नाम है, पर्दा है पर्दा, 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 पर्दा है पर्दा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भापो भावना पोहोचल्या मला। फक्त आलोकची एंट्री होती ना, तर मोहित मला असं म्हटलं ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। हमारे इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं तिरुमला एडिबल ऑयल्स एंड फूड्स द कुटे ग्रुप, उनके लिए तालियों की एक जोरदार गूंज जरूर होनी चाहिए। और हमारे दूसरे प्रायोजक हैं सोनाली इकोवर्क इलेक्ट्रिक बाइक डीलर्स, उनके लिए भी तालियों की एक गूंज हो। हम हमारे प्रायोजकों के बहुत बहुत आभारी हैं। हमारी प्यारी सी गुल को मैं यहाँ न्योता देती हूँ अगला गीत आपके सामने पेश करने के लिए। विधवा विवाह की समस्या पर आधारित राज कपूर जी की वो महान फिल्म 1982 की प्रेम रोग, संतोष आनंद जी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी का संगीत, मर्म स्पर्शी गीत जिसे कहते हैं ऐसा गीत, ये गलियाँ ये चौबारा, और आवाज़ लता मंगेशकर जी की, जिनके बारे में ये कहा गया है कि हमारे पास एक चांद है, एक सूरज है और लता मंगेशकर है। Thank you.
धन्यवाद दोस्तों। आगे बढ़ती हूँ आपकी आज्ञा लेकर। चलिए, अब मैं जो कुछ कहने वाली थी थोड़ी सी भूल जा रही हूँ, लेकिन फिर भी बताऊँगी कि पर्दे पर खिलने वाले हर गीत को एक अपने अलग रंग में रंगाने की अजीब सी क्षमता लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी की संगीत निर्देशन में है, जिसका प्रमाण है ये गीत। 1964 की फिल्म है। कहने का मतलब ये था कि स्वतंत्र रूप से संगीत देने से पहले कल्याण जी आनंद, संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पास वो बतौर म्यूजिक संगीतकार, बतौर सहायक संगीतकार या सहायक संगीत निर्देशक के रूप में कार्यरत थे। तो वहाँ आनंद बख्शी साहब आते थे और लक्ष्मी प्यारे जोड़ी जो कि सपनों के साथी थे, तो उनके मन में विचार आता था कि जब हम स्वतंत्र रूप से संगीत देने लगेंगे तो पहले इनसे गीत गवा लेंगे। और वैसे मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म आ गई 1964 को, वैसा मौका मिल गया और समय के आगे चलने वाला गीत उन्होंने किशोरदा से गवाया जो हम पेश करने जा रहे हैं। दुखी तड़पती आत्मा यहाँ होगी तो उसे ये गीत और नज़दीक वाला लगेगा। आइए आलोक जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। मेरे महबूब कयामत होगी। मतलब किस दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब किस दुनिया में कौन किसका होता है, अरे धोखा वही देते हैं जिन पे भरोसा ज्यादा होता है। मेरे में
रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब। बहुत बढ़िया। जब ये फिल्म आई थी तो मुझे याद है कि पेपर वर्तमान पत्र में किसी ने लिखा था कि इट्स अ रोमांस बिटवीन घुंघरू एंड डफली। कितना सही वाक्य है जो जन्म भर शायद याद रह जाता है। धन्यवाद जी, मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए 1983 की फिल्म, सुपरहिट फिल्म। हीरो की विशेषता ये थी कि उसने तमाम जवान और जवान दिलों को जीत लिया था। जबकि अमिताभ बच्चन जी की एंग्री यंग मैन इमेज का बोलबाला हर चहू ओर था। उस जमाने में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री जैसे नवागतों ने धूम मचाई थी। लेकिन क्या आपको याद है कि फिल्म हीरो में एक दूसरी हीरोइन भी थी? नहीं होगा तो मैं कहती हूँ आपसे, हाँ, यामाहा राजदूत 350 बाइक। चलिए, लता मंगेशकर और मनोहर उदास जी का गाया ये गीत आपके सामने पेश करने के लिए गुल जी, और फिर से एक बार हमारे टाइगर काटदरी जी आ रहे हैं ना। हेलो, रस्ते में बिछा दो
पर्वत सागर गहरे गुफा कब रुकते हैं बादल जब झुकते हैं ओ गुफा कब रुकते हैं बादल जब झुकते हैं सारे कह उठते हैं सारे कह उठते हैं प्यार करने वाले कभी डरते नहीं हाँ डरते नहीं झूठे तू प्यार करते हो जाएंगे लेकिन मैं बहुत शांत और विनीत स्वर में कहती हूँ कि मैं एक भी वंस मोर नहीं ले सकती बहुत बहुत धन्यवाद और गुस्सा मत हो जाइएगा मैं अपना काम कर रही हूँ आपका काम मुझसे बहुत अच्छा है अगले गीत के बारे में प्रशंसा व्यक्त करना तालियों की गूंज के साथ क्योंकि ये 1988 की हाँ मोहित जी मैं आपसे कहना भूल गई वो तीसरी हीरोइन का मैंने जिक्र ही नहीं किया बांसुरी हीरो की तीसरी हीरोइन तो वो है खैर अब 1988 की ब्लॉकबस्टर फिल्म की ओर चलती हूँ फिल्म है तेजाब और आप जानते हैं कि एक पुरानी सी फिल्म थी जिसमें वो गीत था संगीतकार रवि थे चंदा मामा दूर के और गीता बाली पर फिल्माया हुआ गीत था उसके जो ओपनिंग बार्स है उससे माने वो ओपनिंग बार्स आरंभ संगीत सुनकर लक्ष्मीकांत जी के मन में एक तर्ज आ रही थी अब बोल तो थे नहीं आनंद बख्शी सॉरी जावेद अख्तर साहब थे और उन्होंने वो लिखे नहीं थे तो क्या हो गया था लक्ष्मीकांत जी गुनगुना रहे थे 1 2 3 करके तो जावेद अख्तर साहब ने उन्हें पूछा कि क्या मैं अंकों से गीत लिख सकता हूँ तो लक्ष्मीकांत जी नर्वस होकर बोले कहीं रिडिकुलस तो नहीं लगेगा जावेद अख्तर साहब बोले वो मुझ पर छोड़ दीजिए एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री कि माधुरी जी का नसीब बदल गया अलका याज्ञिक जी को अपना पहला फिल्म फेयर सम्मान मिल गया और सरोज खान जी को भी बतौर नृत्य दिग्दर्शिका फिल्म फेयर सम्मान से नवाजा गया वो ऐतिहासिक गीत अलका याज्ञिक जी का आपके सामने पेश करने के लिए तालियों की गूंज के साथ संपदा जी मोहिनी 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 हो 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 हो
अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार। कौन है वो? वो जिसे मैं करती हूँ प्यार, हाय, और जिसे करती हूँ मिन्नते बार बार। कैसे? ऐसे।
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरा करो दिन 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 इंतजार आ जा पिया आई सांगायची होती इतकी जी छान छान तुम्ही गाणी आत्ता ऐकताय पहिल्या गाण्यापासून अजून भरपूर गाणी तुम्हाला ऐकायची आहेत खूप सुंदर सॉन्ग लिस्ट आहे तर याचं सगळं श्रेय या कार्यक्रमाचं पूर्ण श्रेय मी मेघराजी पंडितजी यांना देते निखिल एंटरटेनमेंटसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होत्या आज त्यांच्यामुळे आम्ही सगळे कलाकार या स्टेजवरती परफॉर्म करतो आहे थँक्यू मेघराजी धन्यवाद बस अब मेरा काम है आपको फिर से एक बार गाने की ओर लौटा देना अच्छा है अब वो रहकर आपने जो काम किया है मेघराज जी वो बहुत काबिल-ए-तारीफ़ है नाद ताल लय और सरगम की जो अद्भुत शक्ति होती है उसकी महिमा जताने वाली फिल्म सरगम आइए उसका और एक गीत हम सुनेंगे लता जी और रफ़ी साहब का गाया वो अमर अजर दो गाना बस उसमें जो वॉयलिंस की रन है वो तीन सप्तकों तक जाती है और बहुत सारी विशेषताएं हैं जो यहाँ मैं बोल नहीं सकती लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे साजिंदों की मर्यादा होकर भी उनकी संख्या मर्यादित होने के बावजूद भी वो जो काम कर रहे हैं वो जो गाने का हूबहू फील दे रहे हैं उसके लिए तो बिल्कुल ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए उस गीत के पहले भी पानी पी लीजिए आपको इंटरवल नहीं मिलने वाला हम सीधे प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं ऐसा है हा? कितने अप्रिय काम भी करने पड़ते हैं मुझे खैर हाँ मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ सर्वेश जी और गुल जी को पर्वत के उस पार और इस पार सा बाकी
सरस्वती देवी ने साथ था, पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठे चम 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 तेरे पायल के झनका। जिसका मैंने जिक्र किया था कि तीन सप्तक तक पहुंचने वाली जो वॉयलिंस की रन है वो वहां बजाई, जिसका इफेक्ट आपको अब मिल गया। इट्स एब्सोल्युटली, जिसके लिए मुझे कहना पड़ता है कि अद्भुत अद्भुत। अब 1979 की फिल्म सुहाग का वो गीत सुनते हैं जो अक्सर शादियों में बजता है, और लंदन के हाइड पार्क में इसकी शूटिंग हुई थी, और वहाँ का ही माने वहाँ का ही एक ग्रुप था भांगड़ा शैली का नृत्य करने वाला, तो उसी को उसमें शरीक किया गया था। अब सर्वेश मिश्रा जी रफ़ी साहब की आवाज़ के लिए मैं बुलाती हूँ, आशा जी की आवाज़ है तो मैं संपदा जी को बुलाती हूँ, और शैलेंद्र सिंह जी की आवाज़ के लिए फिर से एक बार आलोक। अब गीत आप ही सुनिए। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तेरी रब ने बना दी जोड़ी, तू हाकर याना कर यारा, ओ यारा ये बोले जोगी का एक तारा। हो तेरी रब ने
तेरा एक तारा क्या बोले ओ क्या बोले तेरा एक तारा मुझे क्या लेना दे जोगी ओ जोगी मेरी शादी मर्जी से होगी जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं प्लीज जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि हम हमारे प्रायोजकों के शुक्रगुजार हैं तो तिरुमला थोड़ा सा लाइट मिलेगा हाँ मला मिळत नाही आहे इकडचा मागचा दिलात तर मला थोडासा मिळू शकतो थोडासा मागचा द्या तिरुमला एडिबल ऑयल्स तिरुमला कोकोनट ऑयल गुड मॉर्निंग डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे तिरुमला ग्रुप के जो अभ्यागत हैं उन्हें तालियों की गूंज के साथ मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ मंच पर और सोनाली इको वर्ल्ड और निखिल एंटरटेनमेंट के ओर से निखिल पंडित जी को उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ निखिल आइए आप हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने कार्यक्रम का Thank you.
पहले शाल, उसके बाद में पुष्पगुच्छ, फिर हमारा सम्मान चिन्ह जिसे हम मोमेंटो कहते हैं, और जो फ्रेम आप उनको देना चाहते हैं वो। सो निखिल पंडित, निखिल एंटरटेनमेंट की ओर से हमारे तिरुमला ग्रुप के अभ्यागतों को, हमारे प्रायोजकों को सम्मानित कर रहे हैं। शाल, पुष्पगुच्छ, सम्मान चिन्ह। इनका हो गया। अब सब कलाकारों की ओर से, चूंकि आपने इस प्रोग्राम के लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और सुहास्य वदन से आपने ये जो प्रोग्राम पेश किया है, तो सभी कलाकारों का एक प्रातिनिधिक सम्मान हो रहा है। हम हमारे कृष्ण कन्हैया का सम्मान करते हैं। निखिल एंटरटेनमेंट की ओर से मोहित शास्त्री जी का सम्मान। अब तालियों की वाकई में जोरदार गूंज होनी चाहिए, क्योंकि ये हम सबका प्रातिनिधिक सत्कार है। मुझे लगता है कि तिरुमला ग्रुप की ओर से मोहित शास्त्री जी को सम्मानित किया जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि म्यूजिक अरेंजमेंट की जो भूमिका होती है एक प्रोग्राम की यशस्विता में, वो कितनी अहम होती है, उसके ऊपर पूरे प्रोग्राम का चरित्र अवलंबित होता है। पहले पुष्पगुच्छ दे दीजिए सम्मान चिन्ह। बालाजी तिरुपति की ये प्रतिमा, ये एक शुभ संकेत है मोहित जी आपके लिए। वाकई में अब जो आपने आप कहना चाहते हैं वो फूलों के जरिए कह दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अगला रोमांटिक गीत सुनते हैं। अमिताभ जी और जीनत अमान पर इस रोमांटिक जोड़ी पर फिल्माया गया 1980 की फिल्म दोस्ताना। फिर से एक बार आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आशा जी और किशोरदा की आवाज, आलोक जी और संपदा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ इस सुंदर गीत को पेश करने के लिए। दिल लगी ने दी हवा। लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। थोड़ा सा हुआ उठा और आग जल
तूने बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। ऐसे दिल धड़क गया, शोर दूर तक गया, ऐसे दिल धड़क गया, शोर दूर तक गया। क्या ये खून माफ है, ये कोई इंसाफ है, आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई। आगे बढ़ते हैं। कैबरे का रंग आप तक अभी तक आया नहीं है, तो ये 1969 की फिल्म है इंतकाम, राजेंद्र कृष्ण साहब के बोल, और ये कैबरे गीत है जिसे लता जी से गवाना अपने आप में एक आह्वान था, एक चैलेंज था। लेकिन कैबरे के लिए बनाई गई धुन को लता शैली में ढालना अपने आप में एक बहुत बहुत कठिन बात थी, जो लक्ष्मीकांत प्यारे जोड़ी ने कर दिखाई। और हिलन जी, जो कि कैबरे गीतों की मलिका मानी जाती हैं, उनके अभिनीत किए हुए सर्वोत्तम कैबरे गीतों में इसका समावेश है, ये गीत माना जाता है। अब आपने पहचाना है लता जी का गाया आवाहन, उन्माद, उत्तेजना और वासनाओं का दमन, सब मिलकर कैबरे गीत में एक स्टोरी बनती है। पिंजरे में कैद है उसका नाम है आज़ाद, और वो आज़ाद दूसरा तीसरा कोई नहीं, मनुष्य की जो पशुवत वासनाएँ हैं उसका रूप है। और वो नारी जो बहुत आधुनिक पोशाक में वो एक ऑस्ट्रिच की फीदर वो लेकर आती है, वेस्टर्नाइज लुक है, और वो पिंजरे के इर्द गिर्द नाचती है। अभी आपके आंखों के सामने वो दृश्य आ जाएगा। और वो वासनाएं जैसे बाहर निकलती है, वैसे पिंजरा तोड़ कर वो बाहर निकलता है और फिर उसे उसी पिंजरे में डाला जाता है। ये वो आज़ाद है। और फिर
उसी पिंजरे पर बैठकर वो उसके इर्द गिर्द वापस एक बार नाचने लगती है। जीवन ऐसा ही होता है कहने वाला ये अजर अमर कैबरे गीत, जिसे आपके सम्मुख लाने के लिए फिर से एक बार तालियों की गूंज के साथ गुल। इस गुलचा माइक में मॉनिटर मुझे जरा रिव्यू पाड़ो।
और एक वेस्टर्नाइज्ड डिस्को गीत कैसे बनता है और वो भी रफी साहब की आवाज में। फिर से एक बार आपके सामने सर्वेश मिश्रा जी, तालियों के साथ। 1980 की फिल्म कर्ज। दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, बनाया आपने। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। Thank you.
आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायर, आपकी मदहोश नजरें कर रही है शायर। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी, मैंने तो बस वो लिखा जो कुछ लिखाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। लेकिन साथ में आपके ये जो सभी कलाकार थे, मैंने एलपी संगीत का जो सबसे अहम वैशिष्ट है कि उसका ग्रैंजर भव्यतम, ये एक ही शब्द है। और ऐसे गीत हम जब सुनते हैं, हम सब हमारे सब साजिंदों ने क्या काम किया है, एंड दैट गिटार मिक्स्ड विद ऑल दिस रिदम इंस्ट्रूमेंट्स। कभी कभी कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं रहते इंसान के पास, मैं इंसान हूँ। खैर, लेकिन ऐसे गीत सुनते हैं तो
क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, बोलने के लिए मन ललचाता है। आइए किशोर दा और आशा जी का गाया उसी फिल्म का वो दो गाना सुनते हैं जिसमें ये शब्द हूबहू जीवंत होकर आते हैं हमारे सामने, और वो खूनी स्त्री, उसी का भूतकाल उसी के सामने, और वो कोरस धोखा धोखा धोखा, बस उसका अनुभव लेना है, जिसके लिए मैं आलोक जी और संपदा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ। एक हसीना थी। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, सीरी और फरहाद, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है याद। याद याद मुझको आया है ऐसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा दे के नामे इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान दी, किसी ने जान दी। एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या जमाना था। एक हसीना थी, समा था क्या जमाना था।
धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान, अब सुनो दास्ता, जन्म लेके कहीं फिर वो पहुंचा वही, शक्ल अनजान की, अकल हैरान की, सामना जब हुआ, सामना जब हुआ, फिर वही सब हुआ, उस पे ये कर्ज था, उसका ये ड्रम्स पर नहीं, वंस मोर नहीं हो सकता, लेकिन किरण जी यहाँ है ड्रम्स पर, फिर ब्रजेश है, आप क्या गिटार के साथ क्या जादू कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल, अशोक कुमार जी हैं, हा इकडे किरण आहेत, आणि हे सगळे सगळे लोक, म्हणजे आता मला यांच्याविषयी खूप चांगलं बोलताना असं वाटतं की आता माझी मातृभाषा मला पाहिजे, इतकं यांच्याविषयी इतकं सुंदर बोलावसं, काय रिक्रिएट करणं, अ जिथे 100-100 व्हायोलिन्स वाजली तिकडे एवढ्याशा ह्याच्यावर, किंवा 100-100 साज वाजले तिकडेही माणसं एवढ्याशा साज, हे एवढ्या फक्त वादनावरती काय परिणाम साधतायत, माय गुडनेस। आज काय दिलं होतं त्याने इकडे यायच्या पूर्वी, एनिवे ये सब मैंने मराठी में बोला। अब अगले गीत की ओर चलते हैं, वो देहाती रंग जो अब तक हमें अनुभूति उसकी प्राप्त होनी है, तो 1974 की फिल्म रोटी, जाहिर है राजेश खन्ना और मुमताज जी पर फिल्माया वो गीत जो किशोर कुमार और लता जी का गाया है, शायद उसके लिए आलोक जी और गुल तैयार है, तालियों की गूंज के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। और वो मुमताज जी का इस गीत में वो ऑरेंज ड्रेस तो है ही, लेकिन जब बरसात वो तो होनी है उनके गीतों में, तब वो नीला ड्रेस पहनेंगी, और जब इंद्रधनुष आसमान में आएगा तब मोहित जी आपकी बांसुरी बजेगी। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, बेशर्मा हो तू है परवाना, बेशर्मा हो तू है
जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक बहुत यादगार नगमा है। अजनबी जब दिल में उतर जाते हैं तो अपने बन जाते हैं, लेकिन जब किनारा कर लेते हैं तो दिल से उतर भी जाते हैं। बस हम सब उस्ताद है 1965 की फिल्म असद भोपाली साहब के बोल, आनंद बख्शी माफ कीजिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी का संगीत और लता जी की आवाज़। आइए संपदा जी को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ इस गीत को आपके सामने पेश करने के लिए। वैसे ये गीत किशोरदा का गाया हुआ है, लेकिन लता जी का वर्जन भी उतना ही पॉपुलर है। Thank you.
सी लगती हो अजनबी, ऐसा गीत जो इस महफिल में आप ज़रूर सुनना चाहेंगे। 1971 की फिल्म दुश्मन, वो सुरजीत सिंह का किरदार जो राजेश खन्ना साहब ने निभाया था, और बिंदु के साथ जो उनका गीत है वही कोठे पर सजाया, और टिपिकल एलपी ठेके से सजा हुआ वो गीत। आप अगदी बरोबर काय, आता फक्त तुम्हाला इथे बोलवायचं राहिलं एवढंच। आलोक ना, आलोक को ढूंढना पड़ता है। हेलो सुरेश भाई, वर्डिंग मिला गया? हाँ, जो मैं शुरू करता हूँ भाई, कवाली है, मैं चाहता हूँ जरा माहौल बने, तालियां मिले होनी चाहिए ना, नहीं तो शोले का डायलॉग बोल दूंगा भैया, सन्नाटा क्यों है भाई। आइए सरोज भाई, वर्डिंग लेके आइए। अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, के खुशबू नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं ओ मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, का तोड़ गए कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं, किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, करे मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, अगर छे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगर से खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहें गैर से भी मगर मंसूब हो तुम, इस शायर से पूछो गजल हो यार भाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो।
पर दामन में तेरे फूल है कम और काटे हैं ज्यादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मारा गया पंखा में सीधा सादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा बरने जानती है बसने जानती है कई दिल तोड़ने के बहाने जानती है कहीं पे सोज है तू कहीं पे साज है तू इसे समझान कोई वही एक राज है तू कभी तू रूठ बैठी कभी तू मुस्कुराई हर किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई किसी से की मोहब्बत किसी से बेवफाई उड़ाए होश तोबा तेरी आंखें शराबी उड़ाए होश तोबा तेरी आंखें शराबी जमाने में कोई है इन्हीं से हर खराबी उन्हें छाओ कोई पुकारे धूप कोई तेरा हो रंग कोई तेरा हो रूप कोई हो कुछ फर्क नहीं नाम तेरा क्या कुछ फर्क नहीं नाम तेरा करीना हो कटरीना वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा वादे पे तेरे मारा गया पंखा में सीधा सादा वादा तेरा वादा वादा तेरा वादा थैंक यू मला क्षमा करा आपण बसा बसा अगला गीत राजस्थान की मरुभूमि का वातावरण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की दिलकश तर्ज अब खंजीरी है सोप्रानो है रवाब है और कैसा वातावरण निर्माण किया जाता है देखिए 1985 की फिल्म गुलामी गुलजार साहब के बोल ये बोल जो है वो हमें कहते हैं कि ये दिल जुदाई के गमों से अभी ताज़ा ताज़ा जख्मी है इसकी बेचारगी को बरंजिश देखो ये बंजारा रचना है जिसके रचयिता गुलजार है लेकिन आप सभी जानते हैं कि 13वीं सदी के अमीर खुसरो साहब का ये लाजवाब कलाम है जिस पर आधारित ये गीत है ये पर्शियन और हिंदवी यानी कि ब्रज भाषा में लिखा हुआ गीत है हम सभी जानते हैं कि जिहाल मिस्किन मखुन तगाफूल दुराए नैना बनाए बदियाँ ये पंक्तियाँ हैं और जिस पर जिहाल मिस्किन लता जी का गाया ये गीत आपके सम्मुख पेश कर रही हैं संपदा जी और साथ में शब्बीर कुमार जी की पंक्तियाँ गाने के लिए फिर से एक बार सर्वेश जी Oh,
जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है तुम्हारा दिल या हमारा दिल है संस्कृत सुभाषित की एक पंक्ति है कि सर्वदैव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति तो सभी भावनाओं को निचोड़ है वो अंत में बिल्कुल शब्द परे हो जाते हैं और बांसुरी बजते रहती है तो ये सारी भावनाओं का निचोड़ फिर मोहित जी बांसुरी में आ जाता है। लक्ष्मी प्यारे जोड़ी के गीतों की तर्जों की एक अहम खासियत है कि उसमें संवाद शैली जब आती है तो बिल्कुल वो दो गाने अलग ही बन जाते हैं, जैसे कि ओ मेरी जान बोल मेरी जान, तो उसके चढ़ाव उतार जो है उसके लिए अलग से संगीत का निर्माण हो जाता है। और यही उसी की मिसाल 1979 की फिल्म जानी दुश्मन वर्मा मलिक साहब के बोल और किशोर कुमार जी के साथ अनुराधा पौडवाल और हमारे यहाँ आलोक जी के साथ गुल। आइए शुरू करते हैं ये दो गाना। Oh, oh.
तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया, मैं भी गया मेरा दिल भी गया। ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, ओ मेरी जान, अरे बोल मेरी जान, नींदों में सपने भी रो गया। ओ मेरी जान, जो किया है तो भुलाना ना मुझे, उड़ जाना ना मुझे, उड़ जाना ना मुझे, ना छोड़ना मुझे, तड़पाना ना मुझे, प्यार जो किया है तो भुलाना ना मुझे, छोड़ जाना ना मुझे, तड़पाना ना मुझे। मेरे प्यार को है तेरा आसरा, आबाद तुझसे है मेरा जहां। गीत आशा जी का गाया है, 1973 की फिल्म लोफर का ये गीत है, आनंद बख्शी साहब के बोल। आशा जी जैसी सिद्ध हस्त गायिका ने एक साक्षात्कार में ये बात बिल्कुल खुद कही है कि पिछले 20-25 सालों में जितने भी प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं, उन प्रोग्राम्स में जिन गीतों की बार बार फरमाइशें होती है, उसमें से 50% गीत अकेले आनंद बख्शी साहब के लिखे हैं। दम मारो दम है, जब अंधेरा होता है, ओ साथी चल है, और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, फिल्म लोफर का कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू, और गीत आपके सम्मुख पेश करने के लिए संपदा। Thank you.
बहुत खूब संपदा जी, बहुत खूब। अगला गीत, बस इसके इसके पहले यही कहना था, अगला गीत आनंद बख्शी साहब का है, तो बोल कितने सरल है और जो जो भी कुछ उसमें से जताना है वो बिल्कुल दिल को छू लेता है, जैसा कि ये दो गाना जो लता जी और किशोर दा का गाया हुआ है। आनंद बख्शी साहब की बोल, जैसे मैंने कहा 1972 की फिल्म दुश्मन, गुल और आलोक। नहीं तेरा नहीं, मेरा नहीं तेरा नहीं, इसका
का नहीं, उसका नहीं, किसी का नहीं, ये दोष तकदीर का सारा है, ये दोष तकदीर का सारा है। देखा क्या देखा, एक दुश्मन जो दोस्त से प्यारा है, एक दुश्मन जो दोस्त से प्यारा है, एक दुश्मन जो दोस्त से प्यारा है। थैंक यू। हर राज्य में शादी में बजने वाले दो गीत लगातार हम लोगों ने सुने। तीसरी ये भी तो दोगा नहीं है, एक अलग ढंग का, 1970 की फिल्म मन की आंखें, साहिर साहब के बोल, धर्मेंद्र और वहीदाजी पर फिल्माया गया। वो लदाजी की जो गूंजती तान आती है तो एक अलग सा माहौल बन जाता है। फिर उसमें लक्ष्मी प्यारे जी का ढोलक ठेका है, बांसुरी की महक है, और वो भी धर्म जी के आगमन पर हो जाती है ना, और रफ़ी साहब की आवाज़ हवा पर सवार होकर आती है। बस उसका अनुभव लेते हैं, जिसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ संपदा जी और सर्वेश जी। तेरे लिए तो मेरा दिल है दीवाना, हर
टूटे जो बलाए भी वो टूट न पाए, टूटे जो बलाए भी वो टूट न पाए, टूटे जो बलाए भी वो टूट न पाए। डिस्कस कर रहे थे कि प्रोग्राम के आखिरी तीन गीत आपको सुनाने से पहले उठिएगा मत, क्योंकि सभी गीत बहुत अच्छे हैं और भीड़ वाले भी बहुत अच्छे हैं, ये भी मैं जानती हूँ। तो हमारे सभी वादक कलाकारों का आप पहले परिचय करा देते हैं और उसके बाद में हम गीतों की एक श्रृंखला पेश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे रिदम सेक्शन से। तबले की संगत कर रहे हैं जगदीश जी, जगदीश व्यवहारी जी, हाथ हाथ उठाइए। हाँ हाँ, दूसरे तबले की संगत कर रहे हैं सचिन सावन जी, ढोलक की संगत कर रहे हैं जीतू दादा जितेंद्र साड़वी, कॉन्गो ढोलक की संगत कर रहे हैं शशि बावलेकर जी, ड्रम्स पे हैं विनोद देवरे जी, तुम्बा बजा रहे हैं समित पेडनेकर जी, ऑक्टोपैड बजा रहे हैं विनोद वावाल जी, पर्कशंस पे संगत कर रहे हैं संतोष दिवेकर जी। बढ़ते हैं हमारे मेलोडी सेक्शन की तरफ, बेस गिटार बजा रहे हैं सौरव रांगणेकर जी, लीड गिटार बजा रहे हैं ब्रिजेश शाह, सैक्सोफोन और क्लैरिनेट बजा रहे हैं नागेश कोली। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैंडोलिन बजा रहे हैं दिनेश भोसले जी, ट्रम्पेट बजा रहे हैं अशोक सहानी जी, हमारे तीन कीबोर्डिस्ट राजू ताइडे जी, अमर वानखेड़े जी, और जिनको मैं वन मैन आर्मी कहता हूँ ऐसे किरण गायकवाड़ जी, साउंड की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं नीतीश फणसे जी। ओवर टू यू। और मैं मोहित शास्त्री, हमारे कोरस सेक्शन का भी अभी करवा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं जो अगला गाना आने वाला था उसमें करने वाला था, लेकिन अभी करवा देता हूँ मैं, ठीक है। नहीं नहीं, अभी अभी करवा देते हैं। कोरस सेक्शन में है सोनल नाइक जी, निशिकंदा पाठक जी, राहुल चिटनिस जी और नितिन करंदीकर जी, और हम सब क्या कहते हैं, मणियों को एक साथ एक माला में पिरोने का काम कर रही हैं मंगला ताई, मंगला जी खाड़ीलकर, ठीक जी। मोहित जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। निखिल एंटरटेनमेंट्स, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। एक बहुत अच्छा, दिल के करीब विषय जिस पर बोलने का मौका मिलता है तो मन प्रमोदित हो जाता है। बेहतरीन मेलोडी, ऊंचे दर्जे का ऑर्केस्ट्रेशन, बहुत सारे रिदम पैटर्न्स, कितने सीधे साधे बोल जो बस हमारे दिल तक पहुंच जाते हैं, और ऐसा संगीत, ऐसी अरेंजमेंट जिसमें प्यारे लाल जी लिविंग लेजेंड है। तो आपने ही देखा अभी कितने सारे गीत हम पेश करना चाहते थे और पेश करेंगे, एक भी गीत हमने ओमिट नहीं किया है। आखिरी गीत तक जाएंगे और साथ में ले जाएंगे कि कितने महान संगीतकार जोड़ी रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। तालियों की एक जोरदार गूंज मान वंदना स्वरूप उनके लिए होनी चाहिए। यहीं आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर से एक बार मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि और शब्बा खैर।
एक बहुत ज़रूरी बात रह गई, ये मेरी गलती है। साउंड प्रोवाइड किया है संदीप काले जी ने और लाइट्स भी उन्हीं ने प्रोवाइड किए हैं, तो ज़ोरदार तालियां हो जाए संदीप काले जी के लिए। मेरा घर माँ तू, मेरा घर माँ तू, तेरा सब कुछ मैं, तेरा सब कुछ तू। हम वतन, हम नाम है हिंदू।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। I'm not afraid to die.
नित लुक चुप के गोरी हो को किसकी याद आई के चली पुरवाई जाने किसको किसकी याद आई के चली पुरवाई जाने किस बिन है मन तरसाते पानी बरसा हो लौट के आए रे पर देश विदेश वासे घूम के ओ आया सावन हो झूम के आया सावन झूम के पतरा छाए के झूले पड़ गए हाय के मेले मच गया मच गई घूम रे आया सावन बंधु के। थैंक यू।